बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में आए दिन सामने आ रहे हैं महिला उत्पीड़न के मामले। ताजा मामला नालागढ़ से सामने आया है, जहां की दो युवतियों ने पिछले कल सोमवार को बद्दी महिला थाना में शिकायत दी है कि वे नालागढ़ के गांव कसम बोवाल में एक तांत्रिक बाबा के पास अपने इलाज के लिए गई थी और इलाज के दौरान बाबा ने उनके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर महिला थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है व उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वही मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी साहिल अरोड़ा ने बताया कि बद्दी महिला थाना में दो युवतियों द्वारा पिछले कल सोमवार को शिकायत दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों लड़कियों के बयान के लिए जा रहे हैं। साथ ही युवतियों का मेडिकल भी कराया जा रहा है और आरोपी बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, हमारे पास कल ये शिकायत आई थी दो लड़कियों द्वारा। इसमें शिकायत में हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उनकी सबसे पहले प्राथमिक रिपोर्ट FIR जो हमने दर्ज कर ली है 376 और पॉक्सो में। FIR दर्ज करने के बाद हमने जो अक्यूज्ड बाबा है उसको हमने डिटेन कर लिया है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। लगे हमने इसी संदर्भ में इस जिला में आज से 6 माह पहले जागृति अभियान चलाया था, जिसमें अब तक हम तकरीबन 17-18 हज़ार महिलाओं को जागरूक कर चुके हैं। तो मेरी सारी महिलाओं से यही अपील है कि अगर ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत आपके सामने आती है तो आप तुरंत उसको महिला थाना बद्दी में आकर दर्ज करवाएं। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। हम जागृति अभियान में महिलाओं के उनके जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में उनको जागरूक करवाते रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।